दृश्य पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों को तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे, वो इन वर्षों में देश में बनना शुरू हुआ है। आज भारत में ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है जिससे विकसित दिशा में देशों में प्रेरणा ले रही है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वो मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस के चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से के लिए गए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुँच गए। यही वो नींव है जो आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण के आत्मविश्वास को बुलंद करेगी। माननीय सदस्यगण, भगवान बसवेश्वर ने कहा था, कायकवे कैलाश, अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म में ही सिद्ध। उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य को पूरा करने में तत्परता से जुटी है। आज भारत में एक स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है। आज भारत में गरीबी को स्थायी समाधान और उनके स्थायी सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम करने वाली सरकार है। आज भारत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनकल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। आज भारत में महिलाओं के सामने से हार बाधा को दूर करने वाली सरकार है। आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करने वाली सरकार है। आज भारत में विरासत के संरक्षण के साथ ही आधुनिकता को बढ़ावा देने वाली सरकार है। आज भारत में अपनी वैश्विक भूमिका को लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ने वाली सरकार है। माननीय सदस्यगण, मैं आज इस सत्र के माध्यम से देशवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने लगातार 2 बार एक स्थिर सरकार को चुना है। मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा। नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, LOC से लेकर LAC तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। स्थिर और निर्णायक सरकार होने का लाभ हमें 100 साल की
सबसे बड़ी आपदा और उसके बाद बनी परिस्थितियों से निपटने में मिल रहा है। दुनिया में जहाँ भी राजनीतिक अस्थिरता है, वह देश आज भीषण संकट से घिरे हैं। लेकिन मेरे सरकार ने राष्ट्रहित में जो भी निर्णय किए, उससे साथ भारत का बाकी दुनिया से बहुत बेहतर स्थिति में। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बीते वर्ष से भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई चल रही है। हमने सुनिश्चित किया है कि व्यवस्था में ईमानदार का सम्मान होगा। भ्रष्टाचारियों के लिए समाज में किसी भी प्रकार की सहानुभूति ना हो, इसके लिए सामाजिक चेतना भी देश में बढ़ रही है। बीते वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बेनामी संपत्ति अधिनियम को नोटिफाई किया गया है। आर्थिक अपराध कर फरार हुए अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए फजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट पारित किया गया है। सरकारी कामों में पक्षपात और भ्रष्टाचार के चलन को भी खत्म करने के लिए प्रभावी सिस्टम बनाया गया है। आज सरकारी कामों में टेंडर और खरीद के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे व्यवस्था है, जिसमें अब तक 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है। राष्ट्र निर्माण में ईमानदार योगदान देने वालों को आज विशेष सम्मान दिया जा रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कोई जटिलताओं को खत्म कर देशवासियों का जीवन आसान बनाया गया है। फेसलेस जांच को बढ़ावा देने की वजह से व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और उसे जवाबदेह भी बनाया गया है। पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, आज ITR भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। आज GST से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। जनधन, आधार, मोबाइल से कुछ फर्ज लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा स्थायी सुधार हमने किया। बीते वर्षों में DBT के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। आज 300 से ज़्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुँच रहा है। अब तो पूरी पारदर्शिता से 27 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम करोड़ों लोगों तक पहुँचाई गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट करती है कि ऐसा योजना और ऐसी व्यवस्थाओं के कारण ही कोरोना काल में भारत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा पाया है। जो भ्रष्टाचार रुकता है और टैक्स के पाई पाई का सदुपयोग होता है, तो भार टैक्स पेयर को भी गर्व होता है। माननीय सदस्यगण, आज देश का ईमानदार करदाता चाहता है कि सरकारें शॉर्टकट की राजनीति से बचे, ऐसा योजनाएं बने जो समस्याओं के स्थायी समाधान को प्रोत्साहित करें। जिनसे सामान्य जन का सशक्तिकरण हो, इसलिए मेरी सरकार ने वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ ही देशवासियों के दीर्घकालीन सशक्तिकरण पर बोल दिया है। गरीबी हटा आप केवल नारा नहीं रह गया है, आप मेरी सरकार द्वारा गरीब की चिंताओं का स्थायी समाधान करते हुए उसे सशक्त बनाने के काम किया जा रहा है। जैसे गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बीमारी होती है,
गंभीर बीमारी से गरीब परिवार का हौसला पूरी तरह से टूट जाता है, पीढ़ियाँ कर्ज से डूबे जाती है। गरीब को इस चिंता से मुक्त करने के लिए राष्ट्रवासी व्यापी आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया है। अनेक गरीब उनके 80,000 करोड़ रुपया खर्च होने से बचाए हैं। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्र में बहुत कम कीमत में दवाई उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे बीते वर्षों में गरीबी के करीब 20,000 करोड़ रुपया बचे हैं। यानी सिर्फ आयुष्मान भारत और जन औषधि परियोजना से ही देशवासियों को 1,00,000 करोड़ रुपया की मदद हुई। मैं सामान्य नागरिकों के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पानी का उदाहरण आप सभी के सामने रखना चाहूँगी। मेरी सरकार ने हर घर जल पहुँचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। उसके पहले तक 7 दशकों में देश में करीब 3 करोड़ घर तक ही पानी का कनेक्शन पहुंचा था, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत इन 3 वर्षों में से करीब 11 करोड़ परिवार पाइप वाटर सप्लाई से जुड़ चुके हैं। इसका सबसे ज़्यादा लाभ गरीब परिवार को ही मिल रहा है, उसकी चिंता का स्थायी समाधान हो रहा है। बीते वर्षों में सरकार ने 3.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। जब घर मिलता है तो नया आत्मविश्वास आता है। इससे उस परिवार का वर्तमान तो सुधारता ही है, उस घर में जो संतान बड़े होते हैं उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सरकार ने टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस ऐसे हर मूल सुविधा की चिंता से गरीब को मुक्त करने का प्रयास किया है। इससे देश की जनता को भी ये विश्वास हुआ है कि सरकार योजना और सरकारी लाभ वास्तव में जमीन पर पहुंचा है और भारत जैसे विशाल देश में भी 100% कवरेज यानी सेचुरेशन संभव है। हमारी ग्रंथों में लिखा है, अयं निज परो व्यति गणना लघु चेतसम, यानी ये अपना है ये पराया है, ऐसी सोच सही नहीं होती। मेरी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है। बीते कुछ वर्षों में मेरी सरकार के प्रयासों के नतीजा है कि अनेक मूल सुविधाएं आज या तो 100% आबादी तक पहुंच चुकी है या फिर उस लक्ष्य के बहुत निकट है। मेरी सरकार हर योजना में 100% सैचुरेशन के साथ ही अंत्योदय के प्रति भी पूरी निष्ठा से काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि योजनाओं का लाभ सही और सभी लाभार्थियों को मिले, कोई भी सरकार की योजना के लाभ से वंचित ना हो। माननीय सदस्यगण, हमने देखा है कि कोरोना काल के दौरान दुनिया भर में किस तरह गरीब के लिए गुजारा मुश्किल हो गया था, लेकिन भारत उन देशों में से एक है जिसने गरीब का जीवन बचाने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी। और कोशिश की कि देश में कोई गरीब भूखा नहीं सोए।
मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। ये एक संवेदनशील और गरीब हितैषी सरकार की पहचान है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज के लिए लगभग 3.5 लाख रुपया खर्च कर चुकी है। आज इस योजना की प्रशंसा पूरी विश्व में हो रही है। इस प्रशंसा की ये वजह यह भी है कि टेक्नोलॉजी की मदद से बनी पारदर्शी व्यवस्था में आज पूरा का पूरा हर लाभार्थी तक पहुंच रहा है। माननीय सदस्यगण, हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग तथा ऐसे अनेक क्षेत्र है जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना की पूरा की जा सकती है। आप मेरी सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्र को वरीयता देते हुए काम कर रही है। मेरे सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा था। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। कोई भी काम और कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, बल्कि विकास में सभी की अपनी भूमिका है। इसी भाव के साथ वंचित वर्ग और अविकसित क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। रेहड़ी ठेले, फुटपाथ पर बड़ी संख्या में हमारे छोटे व्यवसायी अपना व्यापार कारोबार और दुकानदारी करते हैं। मेरी सरकार ने विकास में इन साथियों की भूमिका को भी सराहा है, इसलिए पहली बार इनको फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा और पीएम स्वनिधि के माध्यम से सस्ते और बिना गारंटी के ऋण की व्यवस्था की। योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। अभी तक करीब 40 लाख साथियों को इसके तहत ऋण दिया जा चुका है। मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी है। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। आप इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इन छोटी किसानों को 2.25 लाख रुपया से अधिक की मदद दी गई। खास बात यह है कि इन लाभार्थियों में लगभग 3 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं। इससे अभी तक लगभग 54,000 करोड़ रुपया महिला किसानों को मिल चुकी है। इसी तरह छोटी किसानों के लिए फसल बीमा, सोयल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की कवरेज बढ़ाने के साथ ही हमारी सरकार ने पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा। किसानों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना से लेकर फसलों के MSP में वृद्धि करते हुए मेरे सरकार छोटे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को जगाया है। ये वही वर्ग है जो विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था। अब जब मूल सुविधाएं इस वर्ग तक पहुंच रही है, तो ये लोग
नए सपने देखने में सक्षम हो पाए। अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम, अमृत जलधारा और युवा उद्यमी योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे। आदिवासी गौरव के लिए तो मेरी सरकार ने अभूतपूर्व फैसला किए हैं। पहले बार देश ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। हाल ही में मानगढ़ धाम में सरकार ने आदिवासी क्रांति वीरों को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धांजलि दी। आज 36,000 से अधिक आदिवासी बाहुल्य वाले गाँव को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। आज देश में 400 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल आदिवासी क्षेत्र में खुल चुके हैं। देश भर में 3,000 से अधिक बंधन विकास केंद्र आजीविका के लिए साधन बने हैं। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर ओबीसी के वेलफेयर के लिए हमारी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। बंजारा, घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय के लिए भी पहली बार वेलफेयर एंड डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। माननीय सदस्यगण, देश में 100 से अधिक जिले ऐसे थे जो विकास के अनेक पैमानों से पीछे रह गए थे। सरकार ने इन जिलों को आकांक्षी जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित कर इनके विकास पर ध्यान दिया। आज ये जिले देश के दूसरे जिले से बराबरी की ओर बढ़ रहे हैं। आकांक्षी जिले को सफलता के को अब मेरी सरकार ब्लॉक स्तर पर दोहराने के लिए काम कर रही है और इसके लिए देश में 500 ब्लॉक्स को एस्पिरेशनल ब्लॉक के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू किया गया है। ये आकांक्षी ब्लॉक सामाजिक न्याय की एक संस्थागत व्यवस्था के तौर पर विकसित किए जा रहे हैं। देश के जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों और समावेशी क्षेत्रों को भी बीते दशकों में विकास का सीमित लाभ ही मिल पाया था। नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में भी दुर्गम परिस्थितियों के साथ साथ अशांति और आंदोलनवाद, आतंकवाद भी विकास के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। मेरी सरकार ने स्थायी शांति के लिए भी अनेक सफल कदम उठाए हैं और भौगोलिक चुनौतियों को भी चुनौती दी है। इसी के परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट और हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकास की एक नई नीति का निर्गति का अनुभव कर रहे हैं। सीमावर्ती गांव तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम पर काम शुरू किया। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर बीते सालों में तैयार किया गया है। इससे भी इन क्षेत्रों में विकास की गति मिल रही है। पिछले कुछ दशकों से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी वामपंथी हिंसा भी अब कुछ जिलों तक ही सीमित रह गए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि महिला सशक्तिकरण की रही है। इस संदर्भ में मुझे नारी शक्ति नामक एक प्रेरक कविता का स्मरण होता है, जिसे भारतीय साहित्य की अमर विभूति स्वाधीनता सेनानी तथा ओडिया भाषा की सुप्रसिद्ध नारी कवि उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत ने लिखा था। आज से लगभग 100 वर्ष पहले उन्होंने ये उद्घोष किया था। वसुंधरा तले भारतीर भारत रमणी नुहे हिने नुहे दिन अमर किरति कटि जुगे केवे जगत नुहे बोलिन। अर्थात भारत की नारी
भारत की नारी पृथ्वी पर किसी की तुलना में ना तो हीन है ना दीन है। संपूर्ण जगत में उसकी अमर कीर्ति युगों युगों तक कभी लुप्त नहीं होगी, यानी सदैव बनी रहेगी। मुझे ये देखकर गर्व होता है कि आज की हमारी बहनें और बेटियां उत्कल भारती के सपनों के अनुरूप विश्व स्तर पर अपनी कीर्ति पताका लहरा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि महिलाओं की ऐसी प्रगति के पीछे मेरी सरकार के प्रयासों का संबल रहा है। मेरी सरकार द्वारा जितने भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है उनके केंद्रों में महिलाओं का जीवन आसान बनाना, महिलाओं को रोजगार स्वरोजगार के नए अवसर देना और महिला सशक्तिकरण रहा है। महिला उत्थान में जहां पुराना धारणाओं और पुरानी मान्यताओं को तोड़ना भी पड़ा, उससे भी सरकार पीछे नहीं हटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता आज हम देख रहे हैं। सरकार के प्रयासों से समाज में जो चेतना आई उससे बेटियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है एवं महिलाओं का स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले और बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो या फिर प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, इनमें माँ और बच्चे दोनों के जीवन को बचाने में हम सफल रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की भी लगभग 50% लाभार्थी महिलाओं ही है। माननीय सदस्य लोगों, मेरी सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनके करियर तक हर बाधा को दूर करने का प्रयास कर रही है। देश के सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण हो या फिर सैनिटरी पैड से जुड़ी योजना, इससे बेटियों के ड्रॉप आउट रेट भी बहुत कम आई। स्वच्छ भारत अभियान से महिलाओं की गरिमा तो बढ़ी ही है, इससे एक सुरक्षित माहौल भी उन्हें मिला है। सुकन्या सुजना समृद्धि योजना से देश भर की करोड़ों बेटियां के बेहतर भविष्य के लिए पहली बार सेविंग अकाउंट खुली है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बेटियां की शिक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाई गई है। मेरी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई बंदिश ना हो, इसीलिए माइनिंग से लेकर सेना में अग्रिम मोर्चे तक हर सेक्टर में महिलाओं की भर्ती को खोल दिया गया है। सैनिक स्कूलों से लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूलों तक में आप हमारी बेटियां पढ़ाई और ट्रेनिंग कर रही है। ये मेरी सरकार ही है जिसने मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताहों से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया है। मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिला उद्यमी ही है। एक स्टडी के अनुसार इस योजना से महिलाओं की आर्थिक शक्ति और सामाजिक फैसलों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली घरों की रजिस्ट्री भी महिलाओं के नाम पर होने से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। जनधन योजना से पहली बार देश में बैंकिंग सुविधाओं में महिलाओं और पुरुषों के बीच अब बराबरी आ गई है। देश में इस समय 80 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह भी काम कर रहे हैं, जिनमें करीब 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं।
इन महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार द्वारा लाखों करोड़ रुपये की मदद दी जा रही है। माननीय सदस्यगण, हमारी विरासत हमें जोड़ों से जड़ती है और हमारा विकास आसमान को छूने का हौसला देता है। इसीलिए मेरी सरकार ने विरासत को मजबूती देने और विकास को प्राथमिकता देने की राह चुनी। आज एक तरफ देश में अयोध्या धाम का निर्माण हो रहा है तो वही दूसरी तरफ आधुनिक संसद भवन भी बन रहा है। एक तरफ हमने केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल महालोक का निर्माण किया तो वही हर जिले में हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज भी बनवा रही है। एक तरफ हम अपने तीर्थ और ऐतिहासिक धरोहर का विकास कर रहे हैं तो वही दूसरी तरफ भारत दुनिया की बड़ी स्पेस पावर बन रहा है। भारत ने पहला प्राइवेट सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। एक तरफ हम आदि शंकराचार्य भगवान बसवेश्वर तिरुवल्लुवर गुरु नानक देव जैसे संतों को के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, वही दूसरी तरफ आज भारत हाईटेक नॉलेज का हब भी बनता जा रहा है। एक तरफ हम काशी तमिल संगमों के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत कर रहे हैं तो वही वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे आधुनिक व्यवस्था भी बन रही है। डिजिटल इंडिया और 5G टेक्नोलॉजी में भारत के सामर्थ्य का लोहा आज पूरी दुनिया में मान्य है। आज भारत जहां योग और आयुर्वेद जैसी अपनी पुरातन विधाओं को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है, वही दूसरी तरफ फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड की नई पहचान भी सशक्त कर रही है। आज भारत प्राकृतिक खेती को मिलेट्स की अपनी परंपरा फसलों को प्रोत्साहित कर रहा है, वही नानो यूरिया जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी विकास किया है। खेती के लिए एक तरफ जहां ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर बना रहे हैं, वही दूसरी तरफ ड्रोन टेक्नोलॉजी से सोलर पावर से किसान को ताकत दे रहे हैं। शहरों में जहां स्मार्ट सुविधाओं के विकास पर बोल दिया जा रहा है, वही स्वामित्व योजना में पहली बार गांव के घरों को की ड्रोन से मैपिंग की जा रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जहां आज हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाया जा रहा है तो वही सैकड़ों आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें भी लॉन्च किया जा रहा है। एक और हमारे व्यापार की परंपरागत ताकत नदी जलमार्ग और बंदर गांव को भी आधुनिक बनाया जा रहा है तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक पार्क का नेटवर्क भी तैयार हो रही है। माननीय सदस्यगण, आज़ादी के अमृतकाल में देश पंच प्राणी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। गुलामी के हर निशान हर मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए भी मेरी सरकार निरंतर प्रयासरत। जो कभी राजपथ था वो आप कर्तव्य पथ बन चुका। आज कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हर भारतीय को
चार भारतीय को गौरवान्वित कर रही है, तो अंडमान निकोबार में भी नेताजी और आज़ाद हिंद फौज के शौर्य को हमने सम्मान दिया है अभी कुछ ही दिन पहले। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड पर नेताजी को समर्पित भव्य स्मारक और म्यूजियम का शिलान्यास भी किया है। भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण भी किया है। एक तरफ नेशनल वॉर मेमोरियल आज राष्ट्रीय शौर्य का प्रतीक बन गया है, तो वही हमारी नौसेना को भी आप छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का दिया प्रतीक चिन्ह मिल गया। एक तरफ जहां भगवान बिरसा मुंडा सहित तमाम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े संग्रहालय बन रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाया गया है, वही दूसरी तरफ हर प्रधानमंत्री के योगदान को दर्शाने वाले प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण भी किया गया है। देश में प्रथम वीर बाल दिवस को भी पूरे गर्व और श्रद्धा के से मनाया गया। इतिहास की पीड़ाओं और उनके साथ जुड़े शिक्षाओं को जागृत रखने के लिए देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत भी मेरी सरकार ने की। माननीय सदस्यगण, मेड इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का लाभ देश को मिलना शुरू हो चुका है। आज भारत में मैन्युफैक्चरिंग की अपनी कैपेसिटी भी बढ़ रही है और दुनिया भर से भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आ रहे हैं। आज हम भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप से लेकर हवाई जहाज के निर्माण तक के लिए प्रयास शुरू कर चुके हैं। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत में बने सामान का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। कुछ वर्ष पहले तक हम बड़ी संख्या में मोबाइल फोन आयात करते थे। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का एक बड़ा निर्यातन बन चुका है। देश में खिलौना के आयात में 70% कमी आई है, जबकि निर्यात 60% से भी ज़्यादा बढ़ गया। मेरी सरकार की नई पहल के परिणाम स्वरूप हमारे रक्षा निर्यात 6 गुना हो गया है। मुझे गर्व है। कि हमारी सेना में आज INS विक्रांत के रूप में पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हुआ है। हम मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर में ही प्रवेश नहीं करी है, बल्कि खादी और ग्रामोद्योग जैसे अपने पारंपरिक सेक्टर में भी प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश के खादी और ग्रामीण उद्योग का टर्नओवर 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है। मेरी सरकार के प्रयासों से खादी के बिक्री में 4 गुना बढ़ी है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप पर निरंतर अभूतपूर्व बल दिया है। इससे दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले हमारे देश की ताकत का सदुपयोग हो रहा है। आज हमारे युवा अपने इनोवेशन की ताकत दुनिया को दिखा रहे हैं। 2015 से भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 स्थान पर था, अब हम 40वें स्थान पर पहुँच गए।
7 वर्ष पहले जहां भारत में कुछ 100 रजिस्टर्ड स्टार्टअप ही थे, वही आज ये संख्या लगभग 90,000 पहुंच चुके हैं। आज के युग में हमारी सेनाओं का भी युवा शक्ति में समृद्ध होना, युद्ध शक्ति में निपुण होना, टेक्नोलॉजी की पावर से लैस रहना बहुत अहम है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अग्निवीर योजना शुरू की गई है। इससे देश की युवा शक्ति को सेनाओं के माध्यम से राष्ट्र की सेवा का अधिकतम अवसर मिलेगा। मेरी सरकार देश के युवाओं की शक्ति को खेलों के जरिए भी देश के सम्मान से जोड़ रही है। हमारे खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर ओलंपिक और पैरा गेम्स से अभूतपूर्व प्रदर्शन कर ये साबित किया है कि उनकी प्रतिभा किसी से भी कम नहीं। देश के कोने कोने से ऐसे प्रतिभाओं को खोजने, उनका टैलेंट निखारने के लिए खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया सेंटर्स से लेकर टॉप स्कीम तक चलाई जा रही है। हमारी सरकार दिव्यांग कल्याण को लेकर भी पूरी तरह संवेदनशील है। देश में एक साइन लैंग्वेज और सुगम्य भारत अभियान ने दिव्यांग युवकों को बहुत मदद दी है। माननीय सदस्यों, बीते दशकों में हमने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दो बड़ी चुनौतियों देखी है। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरी नहीं हो पाते थे। दूसरा, अलग अलग विभाग, अलग अलग सरकारें अपनी अपनी सुविधा से काम करती थी। इससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी होता था, समय भी अधिक लगता था और सामान्य जन को भी असुविधा होती थी। मेरी सरकार ने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर राज्यों और यूनियन टेरिटोरीज ने भी उत्साह दिखाए हैं। इससे देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी विस्तार होगा। मेरी सरकार भारत को विश्व का सबसे कॉम्पिटेटिव लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए पिछले वर्ष देश में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। इस पॉलिसी के लागू होने से लॉजिस्टिक कॉस्ट में काफ़ी कमी आई। मेरी सरकार देश के विकास के लिए जिस स्पीड और स्केल पर काम कर रही है वो अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। मेरी सरकार ने आने के बाद भारत के गरीबी के लिए औसतन हर रोज आवास योजना के 11,000 घर बने। इसी अवधि में भारत में हर रोज औसतन 2.5 लाख लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जुड़े। हर रोज 55,000 से ज़्यादा गैस कनेक्शन दिए गए। मुद्रा योजना के तहत हर रोज 700 करोड़ रुपये से ज़्यादा का लोन दिया गया। बीते 8-9 वर्षों में भारत में लगभग हर महीने एक मेडिकल कॉलेज बना है। इस दौरान देश में हर दिन में 2 कॉलेज की स्थापना हुई है। हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। सिर्फ 2 साल के भीतर भारत ने 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोज भी दी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो साल 2004 से 2014 के बीच देश में जहां 145 मेडिकल कॉलेज खुले थे, वही मेरी सरकार ने 2014 में 2022 तक
2014 से 2022 तक 260 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले गए। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या अब पहले के मुकाबले देश में दुगुनी हो चुकी है। 2014 से पहले जहां देश में कुल लगभग 725 विश्वविद्यालय थे, वहीं बीते केवल 8 वर्षों में 300 से अधिक नए विश्वविद्यालय बने। इसी दौरान देश में 5000 से अधिक कॉलेज भी खोले गए हैं। इसी प्रकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तो देश में कई नए रिकॉर्ड बने हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2013-14 तक देश में करीब 381,000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, जबकि 2021-22 तक ग्रामीण सड़कों का ये नेटवर्क 7,00,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया। अब तो देश की 99% से अधिक बस्तियां सड़क मार्ग से जुड़ चुकी है। वर्ल्ड बैंक सहित अनेक संस्थाओं की स्टडी के अनुसार ग्रामीण सड़कों से गांव में रोजगार, खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक असर पड़ा है। नेशनल हाईवे नेटवर्क में पिछले 8 वर्षों के दौरान 55% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जल्द ही भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश के 550 से ज़्यादा जिले हाईवे से जुड़ जाएंगे और व्यवस्था को गति देने वाले कॉरिडोर्स की संख्या 6 से बढ़कर 50 होने वाली है। इसी तरह देश के एविएशन सेक्टर भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। साल 2014 तक जहां देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 थी, वो अब बढ़कर 147 हो गई। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। इसमें उड़ान योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय रेलवे अपने आधुनिक अवतार में सामने आ रही है और देश के रेलवे मैप में अनेक दुर्गम क्षेत्रों भी जुड़ रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में एक आधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारतीय रेल का हिस्सा बन चुका है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों को भी रेलवे से जोड़ा जा रहा है। देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे का दुनिया का सबसे बड़ा बिजली से चलने वाला रेलवे नेटवर्क बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भारतीय रेल को सुरक्षित बनाने के लिए स्वदेशी टेक्निक कोबोच का भी हम तेजी से विस्तार कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, भारत ने उस सोच को भी बदला है जो प्रगति और प्रकृति को परस्पर विरोधी मानती थी। मेरी सरकार ग्रीन ग्रोथ पर ध्यान दे रही है और पूरे विश्व को मिशन लाइफ से जोड़ने पर बल दे रही है। हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सोलर एनर्जी क्षमता को करीब 20 गुना बढ़ाया है। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। देश के बिजली उत्पादन की 40% क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल्स में पैदा करने का लक्ष्य देश में 9 वर्षों पहले ही हासिल कर लिया है।
असफलता वर्ष 2070 तक नेट जीरो के हमारे संकल्प को सशक्त करने वाली है। देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक पर भी तेजी से काम चल रही है। सरकार ने हाल में मिशन हाइड्रोजन को भी स्वीकृति दी है। ये ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत में लाखों करोड़ रुपये की निवेश की को आकर्षित करना करने वाले हैं। इससे फलस्वरूप ग्रीन एनर्जी को लेकर भी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी विदेशों में हमारी निर्भरता कम होगी। देश के शहरों में प्रदूषण कम करना भी हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। फेम योजना के तहत राजधानी दिल्ली सहित देश के अनेक शहरों में केंद्र सरकार द्वारा 7000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जोड़ी जा रही है। बीते 8 वर्षों में देश में मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। आज 27 शहरों में मेट्रो ट्रेन पर काम चल रहा है। इसी प्रकार देश भर में 100 से ज़्यादा नए वाटरवे भी विकसित किए जा रहे हैं। नए वाटरवे से देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कायाकल्प करने में मदद करेगी। माननीय सदस्यगण, आज की दुनिया में अनेक चुनौतियों से गुजर रहे हैं। आज की दुनिया अनेक चुनौतियों से गुजर रही है। दशकों पहले बनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रासंगिकता और प्रभाव पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत ऐसा देश बनकर उभरा है जो आज की विभाजित दुनिया को किसी न किसी रूप से जोड़ रहा है। आज भारत उन देशों में से एक है जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर विश्वास को फिर से सशक्त कर रहे हैं। इसलिए आज दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नज़र से देखते हैं। इस वर्ष भारत G20 जैसे प्रभावी समूह का नेतृत्व कर रहा है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के मंत्र के साथ भारत की पूरी कोशिश है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए। मेरी सरकार इसको सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रोग्राम तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि पूरे देश के प्रयास से भारत के सामर्थ्य और संस्कृति को शोकेस करने का अवसर है। इसीलिए पूरे देश के दर्जनों शहरों में साल भर G20 की बैठकें आयोजित की जा रही है। माननीय सदस्यगण, ये भारत के वैश्विक रिश्तों का बेहतरीन दौर है। इसमें दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने सहयोग और मित्रता को सशक्त किया है। एक तरफ हम इस वर्ष SCO की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वही दूसरे तरफ क्वाड का मेंबर होने के नाते इंडो पैसिफिक में शांति स्थिरता और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। हमने अपने राष्ट्रीय हितों का सर्वोपरि रखते हुए अपने भूमिका का विस्तार किया है। अफगानिस्तान में भूकंप हो या फिर श्रीलंका का संकट, हम सबसे पहले मानवीय सहायता लेकर पहुँचे। भारत को लेकर आज जो सद्भाव है उसका लाभ हमें अफगानिस्तान और यूक्रेन में पैदा हुए संकट के दौरान भी मिला।
संकट में फंसे अपने नागरिकों को हम इन देशों से सुरक्षित लेकर आए। इस दौरान भारत ने कई अन्य देशों के नागरिकों को की मदद करके अपना मानवीय स्वरूप को फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। माननीय सदस्यगण, भारत ने आतंकवाद को लेकर जो कड़ा रुख अपनाया है उसको भी आज दुनिया समझ रहा है। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध भारत की आवाज़ को हर मंच पर गंभीरता से सुना जा रहा है। पहले वर्ष अक्टूबर में भारत में पहली बार यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें भी भारत में आतंकवाद के विरुद्ध अपनी भूमिका को स्पष्ट किया। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को भी मेरी सरकार गंभीरता से पूरे विश्व के सामने रख रही है। मेरी सरकार का साफ मानना है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब हम राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सशक्त होंगे। इसलिए अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण पर हम निरंतर बल दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की अनंत यात्रा अनंत गौरव से भरी हुई है। हमने लोकतंत्र को एक मानवीय संस्कार के रूप में विकसित किया है, समृद्ध किया है। अपने हजारों वर्षों के अतीत की तरह ही आने वाली सदियों में भी भारत मानवीय सभ्यता को की अविरल धारा की तरह अनवरत गतिमान रहेगा। भारत का लोकतंत्र समृद्ध था, सशक्त था और आगे भी सशक्त होता रहेगा। भारत की जीवटना अमर थी, आगे भी अमर रहेगी। भारत का ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म सदियों से विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है और आने वाली सदियों में भी विश्व की इसी तरह राह दिखाएगा। भारत के आदर्श और मूल्य अंधकार से भरे गुलामी के दौर में भी अक्षुण्ण रहे हैं और ये आगे भी अक्षुण्ण बने रहेंगे। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अतीत में भी अमर थी और भविष्य में भी अमर रहेगी। लोकतंत्र के केंद्र इस संसद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लगने वाले लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करके दिखाएं। जो कल होना है उसे आज पूरा करने की कोशिश करें, जिसे दूसरे कोई आने वाले दिनों में करने के बारे में सोच रहा है उसे हम भारतवासी पहले करके देखें। आइए अपने लोकतंत्र को समृद्ध करते हुए हम उस वेद वाक्यों को आत्मसात करें जिसमें कहा गया है, सोंग गच्छधो सोंग बदधं सोंग बोहो मनांसी जानतम, अर्थात हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले, हमारे संकल्प स्तरों में एकता का प्रवाह हो और हमारे अंतःकरण एक दूसरे से जुड़े। आइए हम राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए संविधान की शपथ को पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।